हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि दुबई से एक कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी है, बहुत सी अच्छी कंपनी है। तो उस कंपनी से हमारे पास कई कैटेगरी का वीजा आया हुआ है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में उसी बारे में बताऊंगा भी, और आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि कौन सी कैटेगरी का हमारे पास वीजा आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को देरी ना किए मैं चलता हूँ सीधे अपने एलआईपी पे, और वहीं पे आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पर उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोग से थी, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे चलते चलते मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। और इसी प्रकार का और भी न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल का जो बगल में बेल आइकन का ऑप्शन है उसको भी जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए मैं चलता हूँ सीधे अपने एलआईपी पे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ लेपी पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई कैटेगरी का वीजा आया है दुबई का, तो वो आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पे दुबई का नाम दिया है, वीजा जो भी कंपनी का है वो कंपनी का नाम दिया है। और ये नीचे देख सकते हैं प्राइवेट कंपनी है, और इसमें ये आपको फूड का और जो रहने वहने का व्यवस्था है वो आपको फ्री दे रहा है, वो कंपनी की तरफ से है। बस आपको केवल सैलरी जो है ये आज का जो रेट चल रहा है उस हिसाब से आप जोड़ के देख लीजिएगा। जहाँ इंडिया में चले होंगे तो इंडिया का जो रेट चल रहा होगा उसका देख लीजिएगा जोड़ के। पाकिस्तान बांग्लादेश जहाँ भी होंगे वहाँ का जो रेट चल रहा होगा वो आप रियाल में कन्वर्ट करके देख सकते हैं दुबई का दरहम में। और ये एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलेगा आपको सीबी सिलेक्शन द्वारा होगा। यहाँ देख सकते हैं आप ऊपर व्हाइट में लिखा है सीबी सिलेक्शन एम्प्लॉयमेंट वीजा दुबईने में है, और यहाँ पे प्लस फूड ये सब कंपनी दिया है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि कई वीजा दिया है, मैं इसको जूम कर देता हूँ आप देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एक दो तीन वीजा बता दे रहा हूँ। पाइप फीटर आप जानते हैं, तो पाइप फीटर में क्या होता है, पाइप फीटर कई लोगों को नहीं मालूम। तो पाइप फीटर में जो होता है पाइप का जो काम है, जहाँ नाली वाली में आप लगवाते हैं जो पाइप, वो पाइप फीटर है उसी का काम है, पाइप फिट करना है वही वाला होता है। तो ये इंडिया में आप देखे होंगे नाली वाली के किनारे जो पाइप लगता है वो प्लास्टिक का, वो पाइप फिटर वो काम है। और इलेक्ट्रीशियन यानी लाइट का वायरिंग वायरिंग जो करते हैं वो काम है। तो इलेक्ट्रीशियन का आप देख सकते हैं 1500 प्लस यानी टोटल 2000 तक है, और प्लस फूड कंपनी का है 1500 रुपया सैलरी है आपको वहाँ का दरहम है 1500। और पाइप फिटर का हम बताते हैं 1200 से प्लस 1600 तक है आपका। फिर वहाँ पे आप स्टोर कीपर कई लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता दूँ। स्टोर कीपर मतलब जो भी माल आता है कंपनी का या दुकान का जो भी माल आता है, तो उसको कॉपी पेन से लिखना है, गिन के लिखना है और उसको ले जाके स्टोर में रखना है। ये सब टोटल 8 घंटा ड्यूटी है स्टोर कीपर का, यही है। और स्टोर कीपर का जो सैलरी है 1800 से 2000, यानी आपको 1800 मिलेगा, 1800 से 2000 है। रिटर्नल का है 2000 है, और नए फ्रेशनर जो फ्रेश जाएंगे उनका 1800 है। तो ये आप देख सकते हैं। और फूड रहने का, फूड सब ये कंपनी का, रहने का खाने पीने का सब कंपनी है। और फिर यहाँ आ जाए नीचे 19 नंबर पे, आप देखिए 19 नंबर पे जो है ये ऑफिस बॉय का है। तो ऑफिस बॉय में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑफिस बॉय मतलब जैसे ऑफिस का आपको काम करना है, जैसे कभी लोग जो भी पैसे मालिक उसको चाय लिया देना है, जो भी कस्टमर आए उनसे इंग्लिश में बात करना है और उसको बैठाए रहना है, कस्टमर भी डील करना है, साफ सफाई भी करना है, और वो चाय हो गावा जो भी होता है दुबई में वो आपको बना के लिया देना पिलाना है सबको। तो ये होता है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ऐसे सब सारी इन्फॉर्मेशन है, और इसमें जो रिक्वायरमेंट है सब में 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, चाहे आप इंडिया में हो या बांग्लादेश हो या पाकिस्तान जो भी हो। तो जिस कंट्री में उस कंट्री का जो भी कंपनी, उस कंपनी में अगर आप काम किए होंगे तो 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर दे दीजिएगा, फिर अपना बायोडाटा बनवा लीजिएगा और अपना CV दे दीजिएगा, फिर उसके बाद पासपोर्ट और वाइट बैकग्राउंड वाला फोटो लगेगा। ये सब अगर हमको देंगे आप तो ये सारा डॉक्यूमेंट लगेगा। ये सब डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपका वीजा 45 दिन में रेडी हो जाएगा, तो आप 45 दिन में चले जाओगे इंडिया पे। और इसका तब कॉस्ट टोटल आपका 75 पड़ेगा, यानी 75,000 रुपये आपका पड़ेगा पैसा। तो अगर आपको जो भी पर्सन जो भी पीपल जाने के लिए रेडी होंगे आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, या SMS द्वारा हमको मैसेज कर लीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, नंबर अपना मैं तुरंत कॉल कर लूँगा या आप मुझको कॉल कर लीजिएगा। और जो भी आगे जानकारी चाहिए आप मुझसे कॉल करके ले सकते हैं, या फिर
आप उनको कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी जो मैंने आपको दिया कि दुबई का हमारे पास किस किस कैटेगरी का वीजा आया हुआ है। ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसमें मैं मेरे खुद के आदमी गए हुए हैं, कई लोगों को मैं भेजा हूँ, तो अपने तजुर्बे के द्वारा मैं आप लोग बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। फिर भी आप लोग इस ये वीजा जो भी है आप लोग मुझसे लीजिए और उसके जाँच पता करके तो ही आप लोग यहाँ पे पैसा लीजिए। तो जिस बंदे को अगर अच्छा लगा होगा और भी जानकारी अगर चाहिए होगा तो आप उनको कमेंट करके और भी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे डायरेक्ट हमारे ऑफिस पे आके विजिट करके वहाँ पे ये वीजा आप लोग ले सकते हैं, और जो जो मैं डॉक्यूमेंट बताया वो सब सबमिट करके आप ये वीजा मुझसे ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी जानकारी समझ में आ गया, अगर समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को हमारे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अब मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय।